नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आई हूँ, तो वीडियो पर बने रहें। और वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दो कपड़े लिए हैं, ये जुड़े हुए हैं, तो पहले इनको अलग कर देंगे क्योंकि हमें चार कपड़े चाहिए होंगे, दो अस्तर के लिए और दो मेन फैब्रिक। तो देखिए, इन चारों की लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो लंबाई चौड़ाई कितनी लेनी है आपको वो भी मैं अभी बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चार कपड़े ले लिए हैं। तो देखिए, ये ऊपर वाले दो जो मेन फैब्रिक हैं वो है, और दो मैंने लाइनिंग के लिए कपड़ा केट पीस लिए हैं। आप यहाँ पर कोई पुराना कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, लगभग इनसे 1 इंच छोटी हमें दो फॉर्म शीट लेनी है। देखिए, तो दोनों फॉर्म शीट की लंबाई चौड़ाई बराबर हैं, और अभी मैं इनकी लंबाई चौड़ाई भी बता देती हूँ। तो देखिए, इस फॉर्म शीट की लंबाई और चौड़ाई है 12x14 इंच। देखिए, ये 14 इंच और ये 12 इंच। तो देखिए, दो फॉर्म शीट बराबर हैं। अब फॉर्म शीट को बीच में रखते हुए इनकी सिलाई लगा कर क्विल्टिंग कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर सिलाई लगाकर अच्छे से इसकी क्विल्टिंग कर दी है एकदम फिनिशिंग के साथ। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा, उसको फोल्ड करते हुए चारों ओर सिलाई लगा दी है ताकि अंदर इसमें कोई धागे वगैरह नहीं निकले। और देखिए, इसी प्रकार मैंने एक और पीस तैयार किया था जो मेन फैब्रिक फॉर्म और अस्तर के साथ में। इसकी लंबाई चौड़ाई भी मैं बता देती हूँ। तो ये 9x8 इंच का पीस मैंने तैयार किया है। अब देखिए, 1.5 इंच से हमें यहाँ पर निशान लगाना होगा एक साइड से। तो जो चौड़ाई साइड है वहाँ से हम निशान लगाएंगे। देखिए, इस प्रकार 1.5 इंच का ये निशान लगा दिया है। इसी निशान के ऊपर हमें कपड़े की कटिंग कर देनी होगी। तो देखिए, यहाँ पर कपड़े की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर लेनी है इसी के साइज की जिपर। तो जिपर इसके साथ में अटैच कर देंगे। तो देखिए, जिपर मैंने अटैच कर दी, साथ में टॉप स्टिच भी लगा दी है और रनर भी डाल दिया है। अब देखिए, एक कपड़ा लेंगे हम, तो उसको इस प्रकार रखेंगे और दो तरफ से सिलाई लगाएंगे, नीचे और ऊपर की ओर। देखिए, इस प्रकार दो तरफ सिलाई लगाएंगे, फिर इसको सीधा कर देंगे। देखिए, इस प्रकार सीधा मैंने कर दिया है। ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर टॉप स्टिच भी लगा दी है, साइडों की सिलाई भी मैंने अभी लगा दी है। देखिए, ये हमारा एक पॉकेट बनकर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार फोल्ड करना है, एकदम सेंटर पर एक निशान लगाना है। इसी प्रकार ऊपर की तरफ भी सेंटर पर एक निशान लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर निशान मैंने लगा दिया है। अब जो दो पीस पहले तैयार किया था उनमें से कोई सा भी एक पीस ले सकते हो, और उसमें भी इसी प्रकार सेंटर पर निशान लगा देना है। देखिए, फिर जो दोनों के सेंटर पर हमने निशान लगाया था उन निशानों को मिलाते हुए इसको एकदम बीच में रखते हुए इसके दो तरफ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर दो तरफ ही सिलाई लगा दी है मैंने। ये तो हमारा पॉकेट वाला पार्ट हो गया है, और नीचे ये ऐसे ही खुला रहेगा। तो ये किस चीज़ में यूज आएगा मैं वो भी आपको अभी बताऊँगी। तो देखिए, इसके बाद में हमें दो स्ट्रिप तैयार करनी होगी। तो देखिए, यहाँ पर दो स्ट्रिप मैंने तैयार कर दी हैं। इसकी बीच में मैंने फॉर्म शीट डाली है। फॉर्म शीट डालकर स्ट्रिप तैयार करेंगे तो एकदम बहुत ही अच्छे से स्ट्रिप तैयार होगी। और इस स्ट्रिप की लंबाई है देखिए 44 इंच। तो देखिए, 44x44 इंच की मैंने दो स्ट्रिप रेडी कर ली हैं। अब देखिए, इन स्ट्रिप को किस तरह से अटैच करना है। देखिए, एकदम नीचे से यहाँ पर जो हमने ये पॉकेट लगाए हैं उसके ऊपर इस प्रकार यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, फिर बाकी वाले पार्ट को भी इस प्रकार रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ। इसी प्रकार दूसरे वाले पीस पर भी हम निशान लगा देंगे, और इन निशानों के ऊपर ये स्ट्रिप रखते हुए सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर कोई पॉकेट वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही जिस प्रकार उस पॉकेट वाले पार्ट पर लगा रहे हैं वैसे ही इस पर भी लगाना है। तो देखिए, दोनों ही स्ट्रिप मैंने अटैच कर दी हैं। तो देखिए, ये पॉकेट तो हमारा सेफ रहेगा, बस इसमें कुछ नहीं करना है। और अगर आप नीचे वाला भी पॉकेट ही रखना चाहते हो तो इस पर अभी सिलाई लगा सकते हो, पर वो किस चीज़ में यूज आएगा मैं अभी आपको साइड में कोने में फ़ोटो डाल कर बता दी हूँ, इस चीज़ में यूज आएगा। और अगर आपको नहीं रखना हो तो नीचे सिलाई लगा कर उसको बंद कर दें। अब देखिए, एक कपड़े का पीस लेना है, ऊपर से फोल्ड कर देना है
और देखिए अंदर की साइड में इस प्रकार रखते हुए इसके तीनों ओर सिलाई लगाएंगे और एक बीच में सिलाई लगाएंगे जो बिना पॉकेट वाला पार्ट है उसके साथ में। देखिए तो यहाँ पर अंदर की साइड में दो पॉकेट हो जाएगा हमारा। देखिए तो दोनों ही पीस रेडी है। अब हमें देखिए एक पीस कोई सा भी लेना है और एक कोने से इसका माप लेना स्टार्ट करना है इस प्रकार। देखिए फिर घुमाएंगे इस प्रकार और फिर वापस ऊपर ले जाएंगे। देखिए और जितना आपका ये माप आ रहा है लगभग उससे एक इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये 39 इंच आ रहा था तो मैं 40 इंच लूँगी और फॉर्म शीट की लंबाई है 40 इंच, चौड़ाई है 6 इंच और इसी के बराबर कपड़े लेने हैं। कपड़े एक एक इंच एक्स्ट्रा लेने हैं क्योंकि दोनों तरफ हम फोल्ड करेंगे। देखिए तो अब इसकी भी क्विल्टिंग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिलाई लगा कर क्विल्टिंग मैंने कर दी है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको देखिए अंदर की साइड में दबाते हुए मैंने सिलाई लगा दी है जिससे कि इसमें भी धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, एकदम फिनिशिंग रहेगी। और देखिए अब इसको इस प्रकार यहाँ पर अटैच कर देंगे। देखिए इस प्रकार, तो इस प्रकार सिलाई लगा कर इसको अटैच कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा कर इसको अटैच कर दिया है और यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था तो उसको फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड में। फिर इसी प्रकार देखिए दूसरे वाले पीस के पर भी हमें अटैच करना है जिस प्रकार पहले वाले पीस पर अटैच किया था। तो देखिए यहाँ पर सिलाई लगाकर मैंने अटैच कर दिया है। देखिए इनको पहले ही मैंने फोल्ड कर दिया था तो अंदर की साइड में एकदम फिनिशिंग है, कहीं पर भी धागे वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं। अब देखिए ऊपर का माप ले देते हैं। तो ऊपर का माप आ रहा है लंबाई में 14 इंच और चौड़ाई 6 इंच आ रही है। तो इसी के बराबर हमें फॉर्म शीट के साथ में कपड़ों की क्विल्टिंग कर देनी है। तो देखिए ये 6 इंच चौड़ाई फॉर्म शीट ली है और अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों लिया है। अब देखिए इनकी भी सिलाई लगाकर एकदम अच्छे से क्विल्टिंग कर दी है। इनके बाहर की साइड में कपड़े को फोल्ड भी कर दिया है। इसको यहाँ अटैच करना है पर इसके पहले हमें एक जिपर लगानी होगी। तो देखिए एकदम सेंटर में से इसको इस प्रकार फोल्ड कर देना है और फिर सेंटर से इसकी कटिंग कर देनी है। आप चाहो तो ये बड़ा पीस ले सकते हो, थोड़ा नीचे तक भी ले जा सकते हो, पर मैं ऊपर ऊपर ही इसकी जिप लगा रही थी, मैंने वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे इस प्रकार। तो देखिए यहाँ पर इसकी कटिंग हो गई है। अब इसी के साइज़ की हमें जिपर लेनी है। तो देखिए इसी के साइज़ की हमें जिपर लेनी है। तो जिपर को इसके साथ में अटैच कर देंगे, साथ में रनर भी डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर जिपर हमारी अटैच हो गई है, साथ में टॉप स्टिच भी लगा दी है और दो रनर भी डाल दिए हैं। अब देखिए इसको इस प्रकार ऊपर रखते हुए इसके चारों ओर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए चारों ओर सिलाई मैंने लगा दी है। अब इसको सीधा कर देंगे। तो देखिए सीधा मैंने कर दिया है और कुछ इस प्रकार इसका लुक आ रहा है। कोने को अच्छी तरह से निकाल देंगे और बहुत ही प्यारा हमारा छोटा सा एक ट्रेवलिंग बैग बन गया है। और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। मैंने ऑनलाइन इसका इमेज देखा था तो मुझे लगा कि मुझे भी बनाना चाहिए। तो बहुत ही आसान तरीका है। देखिए चारों ओर एकदम फिनिशिंग के साथ बना है, अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग है। और देखिए ये मैंने खुला छोड़ा है जो आपको पहले मैंने पिक्चर दिखाया था, और भी मैं साइड में डाल सक दूँगी जो आप देख लेना कि कैसे इसको यूज करना है। तो देखिए इस प्रकार ये पॉकेट हो गया है हमारा छोटा सा बाहर की साइड में, और बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें, बहुत सारे सामान आ जाएंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, और कहीं पर भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। बाय बाय।